अस्सलामुअलैकुम व्यूअर, आज का ट्रैक फिर सुरकमर है, पर इस बार विंटर स्नो ट्रैक है। तो मेन रोड जो जाता है सुरकमर, वहाँ पर तो बर्फ़ है। मेरे साथ बाइक है, वो नहीं जा सकता, इसलिए मैं ट्रैक पर जाऊंगा। तो मलम की रोड पर थोड़ा ऊपर या से एक रोड अलग होता है और ये जाता है सुरकमर। तकरीबन एक घंटा ट्रैक करने के बाद मैं पहुंच गया सुरकमर। और इससे पहले भी मैंने इस जगह का वीडियो डाला था, पर वो ऑफ सीजन था, न ग्रीनरी था और ना स्नो था। तो ये आप लोग देख सकते हैं स्नो। वो शायर कहता है कि तेरी याद आई तेरी जाने के बाद। बात का मतलब ये है कि इस जगह का नज़दीक से पता नहीं चलता, जब दूर जाता है तो इसका लुक जो इसका लुक है वो नज़र आता है। तो देख सकते हैं बिल्कुल टॉप है कि इसका आखिरी पॉइंट है, इसके बाद ये सिलसिला ख़त्म। कमर से आगे भी जाने का इरादा है, तो आगे भी देखते हैं कि हमें क्या फालूक देखने को मिलता है। तकरीबन 3 फुट तक बर्फ है, क्योंकि रास्ता नहीं है, रास्ता खुद बनाना पड़ेगा। और जिस जगह पर अभी हम जा रहे हैं, और ये बंजूसर का एक सीरीज है, खूबसूरत टॉप है। मुसलसल 3 घंटे मुश्किल ट्रैक के बाद मैं पहुंच गया सरगे। इसको सरगे टॉप कहता है। ये सतह समंदर से 7,000 फुट की बुलंदी पर है। सामने मरमजप्पा नजर आता है। इस पीक को बंजूसर कहता है। नीचे ये सरगी का विलेज है। सामने सागर सर, सागर के साथ ये नरेसर, नरेसर से नीचे ये एरिया जिकोट का है, और नीचे ये वाला वाड़सर, नीचे हिंदू गई जो कला का जो स्टेट वगैरह है इस पहाड़ में। और इस पहाड़ के पीछे ये वाला श्रेषा डब, और सामने जखने पीऊच बांडा नरेसर, ये नज़ारा भी नज़र आता है। ये नीचे शेरतले ग्राम और मंगलवर, और आखिरी में सात का जो रिवर है वो भी नज़र आता है। जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ ये उसका ऊपर हिस्सा है, और नीचे टॉप ये है, वहाँ पर भी जाएंगे।